सांस का तान भले ही कभी नहीं छेड़ा हो, लेकिन सांस का निर्माण कर कलाकारों को इन साजों की सरगम से रूबरू जरूर करवा दिया है। ये गुमनाम चेहरा इसी शहर का व्यापारी भी है। मुख्य तौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों को प्राण देने वाले ये शख्स हैं केसी शर्मा, जो साज का निर्माण शौक बतौर करते हैं, लेकिन कलाकारों की मांग ने कारोबार का दर्जा भी दिलवा दिया है। देखते हैं व्यापारी का यह खास शौक। कहते हैं मूर्ति से मूर्तिकार बड़ा कलाकार होता है, जो अपनी सृजन कल्पनाशीलता से मूर्तियों को आकृति देने में सफल होता है। छिपी हुई प्रतिभा की यदि सही परख की जाए तो उम्र और योग्यता कभी आड़े नहीं आती। यह बात शास्त्री नगर निवासी केसी शर्मा ने चरितार्थ कर दी, लेकिन उनकी कलात्मक प्रतिभा से फिलहाल शहर अनभिज्ञ ही है। पेशे से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुधारक शर्मा का कभी संगीत से कोई नाता नहीं रहा। वे न तो साज बजाते हैं और न ही संगीत के स्वर सजाते हैं, वे तो सिर्फ संगीत को अपने दिल में सहेज कर रखते हैं। बचपन से ही वाद्य यंत्र वायलिन की धुन उनकी पसंदीदा धुन रही। वायलिन बजाने और बनाने की उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी। वे सांस के तार तो नहीं छेड़ सके, लेकिन सांस बनाने में सफल हो गए। शर्मा ने 2 वर्ष पहले स्टो वायलिन का निर्माण किया था, उसके बाद फिर वायलिन और मिनी सारंगी को आकार दिया। वाद्य यंत्र निर्माता शर्मा अपने शौक को साकार करते हुए बताते हैं, प्रेरणा मुझे बचपन से वायलिन से बड़ा लगाव रहा है। वायलिन मेरा पसंदीदा साज रहा है। वायलिन एक ऐसा साज है कि जो जिसकी आवाज़ यहाँ छूती है मुझे, मैं इसको इंडिया लेवल तक ले जाना, अपने देश का नाम फॉरेन वालों को मालूम पड़े कि हिंदुस्तान में भी आर्टिस्ट हैं। वहाँ तो सब मशीनों से काम होता है, लेकिन ये मैंने हाथ से किया है। प्रतिदिन रात को 4 घंटे और सुबह 2 घंटे वे वाद्य यंत्र तन्मयता से बनाने में जुटे रहते हैं। उनकी विशेषता यह है कि किसी मशीन का वे उपयोग नहीं करते, सिर्फ पैनी नज़र और हाथों की कलाकारी से वायलिन साज तैयार करते हैं, जिसके लिए निर्माण सामग्री में खास इस्यूलस लकड़ी इंदौर से लाते हैं। अपने शॉप के बारे में शर्मा कहते हैं, मैं साहब मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है रिपेयरिंग की। मेरा फालतू समय था वो मैंने इसको वायलिन को दिया है। मैं अपना रात को 4 घंटे करीब रात को दिए हैं इसको, और 2 घंटे सुबह दिए, 6 घंटे मैंने इसको। ये जो साज है ये साउथ अफ्रीका की ईजाद है, इसको स्टो वायलिन कहा जाता है, और ये दुनिया में बनना बंद हो गया। और मैं इसमें वो साउंड लाना चाहता हूँ कि वापस से लोग इसको पसंद करने लगे, वापस से इसको जाने कि ये क्या साज है। रतलाम के होनहार कलाकार वायलिन निर्माता के साथ जब कलाकारों के हाथों स्वर ताल की लय बिखेरते हैं, तब देश प्रदेश में शहर का नाम रोशन होता है। वायलिन कलाकार अनिरुद्ध मुरारी कहते हैं कि ऐसा सांस पहली बार ही बजाया है। वायलिन को बजाने से एक मन में ऐसा प्रतीत होता है, ये अलग से, मतलब इसमें एक साउंड निकलता है। ये क्या है, चिलम। इस चिलम में से जो साउंड आता है, एक अलग से घूमता हुआ जो बन के आता है, वो उसमें बड़ा एक बहुत सुकून वाला साउंड मिलता है इसमें। केसी शर्मा की दिली तमन्ना है कि उनके इस सांस पर फिल्म इंडस्ट्री के साजिंदों के हाथ थिरकें। शर्मा अब हारमोनियम बनाने का विचार कर रहे हैं। इस गुमनाम शख्स के बनाए गए सांस निश्चित ही अनूठे हैं, और उन्हें इंतजार है वक्त का, इस उम्मीद के साथ कि जब भी ये सांस देश विदेश में मशहूर होगा, तब रतलाम का नाम भी रोशन होगा। बीते इस हफ्ते सोने चांदी के जलवे